हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और फाइन शाइन होंगे। जी तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी लड़कियों, आपने मेरी आवाज़ को करना है इग्नोर, क्योंकि मौसम की वजह से जो है मुझे भी हो रहा है फ्लू। मौसम का शिकार मैं भी हो चुकी हूँ और फ्लू जो है मुझे हो गया है, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ को करना है इग्नोर और छोटे से ब्लॉग पर करना है गौर। जैसा कि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी 5 फेब की वजह से कश्मीर डे के लिए और इलेक्शन के लिए, तो उसमें जो है वो फारिस हो गए थे बीमार। फारिस को जो है 102 जो है वो टेम्परेचर हो रहा था और 3 से 4 दिन लगातार बीमार रहे, और उस दौरान आपको पता है बच्चे कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो फारिस कहते थे बस जो मैं बोलूँ वो करना है, तो फारिस ने कहा कि मुझे चंकी मंकी जाना है, मुझे राइड्स लेनी है, तो मैं और इसके बाबा जो है वो उनको फारिस को लेके गए चंकी मंकी। वहाँ फारिस ने जो है वो राइड्स ली और आगे आप लोग देखिएगा कि एक राइड लेते हुए जो है फारिस इतना डर रहे थे कि उन्होंने मेरा हाथ जो है वो पकड़ लिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस जो है मोमेंट को मैं कैप्चर कर लूँ, उस रिएक्शन को मैं कैप्चर करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये देखें आप लोग कितने फारिस डर रहे थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तो मैंने जल्दी से वीडियो बना ली ताकि मैं आप लोगों के साथ इनका रिएक्शन चेक कर लूँ। और राइस लेते लेते मैंने जो है फारिस की इंस्टाग्राम के लिए रील भी बना ली। अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आप लोगों को शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम पर जाएँ, हमें फॉलो करें। और जी यहाँ पे जो है वो शबे मेराज का दिन था और शबे मेराज के लिए जो है मैं रेडी हो गई थी। फारिस और उनके पापा रेडी होकर नमाज के लिए जा चुके थे और मैंने ये वेयर किया था, ये कुर्ता मेहरून कलर का वेयर किए हुए जो है वो कलर इतना शो नहीं हो रहा था क्योंकि लाइट चली गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस तरीके से पूरा हैंग करके दिखा दूँ। ये इसकी जो है वो सिंपल सी वो है प्रिंटेड सा कुर्ता है, ऑर्गेन्जा का ये कुर्ता है और इसकी नेकलाइन पे थोड़ी एम्ब्रिशमेंट की गई है, डिटेलिंग की गई है, काम की बहुत ही खूबसूरती से सफाई से काम किया गया है। इस पर थ्रेड वर्क का और इस पर पर्ल्स है, और अगर जूम करके मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो दबके का भी काम किया गया है, तो बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता लगता है, खुला खुला सा कंफर्टेबल सा। और इसके स्लीव्स में जो है वो कट स्लीव्स हैं थोड़ी सी, पर्ल्स भी लगा हुआ है एक, ये मैंने रेडी टू वेयर लिया था। और इसके जो है वो इनर जो है वो अलग है और कुर्ता अलग है, यानी कि ये डबल शर्ट है, यानी कि इनर अलग है, ये भी सिल्क का ही है और मैरून कलर का है, और इसके साथ जो कुर्ता है वो प्रिंटेड ऑर्गेन्जा का है। इसके साथ जो मैंने पेयर अप किया था वो ट्राउज़र, वो ये बनारसी का ट्राउज़र है, मतलब सिल्क बनारसी है, ये प्योर बनारसी नहीं है, और इतना खूबसूरत लग रहा था इसके साथ वेयर किए हुए। ये ट्राउज़र जो है मैंने अपने वेलवेट ड्रेसेस में आप लोगों के साथ शेयर किया है, नहीं देखा आप लोगों को तो आई बटन में लिंक दे रही हूँ, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। फारिस ने जो है वो शलवार कमीज़ वेयर किया था, ये प्यारा सा, और इसके साथ ये कोट वेयर किया था और ये नमाज के लिए जा रहे थे, तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। और इसके बाद जो है मैंने कमरा सेट किया, जल्दी से अपनी बेडशीट भी चेंज कर ली क्योंकि अगर सब साफ साफ हो तो अच्छा लगता है। और इसके बाद जो है मैंने जल्दी से डिनर रेडी किया क्योंकि जैसे ही 9 बजते हैं गैस का जो प्रेशर है वो बिल्कुल हमारे ब्लड प्रेशर की तरह लो हो जाता है, तो फिर जल्दी से मैंने आलू और छोले का साग बना लिया, पूरियाँ बना ली, और इसके बाद जो है वो दही बल्ले बना लिया, इसके साथ मैंने इसका रायता भी बना लिया, रोटियाँ भी बना ली, सारे जो गैस वगैरह लाइट वगैरह का काम था वो कर लिया। लेकिन लाइट तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जा रही थी क्योंकि साथ साथ इलेक्शन भी थे, तो लाइट तो नहीं गई लेकिन गैस जो है वो चला गया। और यहाँ मैंने जो है मैंने रायता भी रेडी कर लिया, पूरियाँ भी बना ली, और इसके बाद फिर जो है वो मैंने ईशा की नमाज़ भी अदा कर ली क्योंकि फारिस उनके बाबा भी नमाज़ पढ़ने चले गए थे और मेरी मदर इन लॉ भी नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, तो मैंने सोचा मैं भी जल्दी से नमाज़ अदा कर लूँ। फिर जल्दी से खाना खाया और चाय को इन्जॉय किया। और ये नेक्स्ट 27 रजब को फारिस ने जो शलवार कमीज़ के साथ ये ग्रीन कलर का कोट वेयर किया था, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे थे, और मैंने ये ड्रेस वेयर किया था। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफिज़।